जिस प्रकार से अफगानिस्तान में घुसपैठी तालिबान ने जितनी तेजी से कब्जा किया है, शायद इतनी तेजी से किसी और देश में हुआ होगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर इतनी तेजी से कब्जा हुआ है, इसका अंदाजा शायद ही कई देशों और खुद अफगानिस्तान के सरकार को भी नहीं था। नहीं तो एक दिन पहले अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी देशवासियों को वीडियो संदेश से संबोधित करके अगले ही दिन देश छोड़कर नहीं जाते, न ही अमेरिका आपात स्थिति में अपने दूतावास को बंद कर लोगों को जल्दी में ऐसे नहीं निकालता। ऐसे में अफगानिस्तान की गनी सरकार और अमेरिका का साथी भारत भी आज खुद भी अजीब स्थिति में पा रहा है, जहां एक और चीन और पाकिस्तान तालिबान से अपनी दोस्ती के चलते काबुल के नए घटनाक्रम को लेकर थोड़े अस्वस्थ दिख रहे हैं, वहीं भारत फिलहाल अपने लोगों को जल्दी जल्दी काबुल से निकालने में लगा हुआ है। तालिबान को आधिकारिक तौर पर भारत ने कभी भी मान्यता नहीं दी है, लेकिन इस साल जून में दोनों के बीच में बैक चैनल बातचीत की खबरें भारतीय मीडिया में छाई रही। भारत सरकार ने अलग अलग स्टेक होल्डरों से बात करने वाला एक बयान जारी किया था ताकि मामले को बढ़ने से रोका जा सके, लेकिन यह कोई नहीं सोचा होगा कि 2 महीने में सब कुछ इतनी तेजी से बदल जाएगा। भारत के अब तक तालिबान के साथ सीधी बातचीत शुरू न करने की बड़ी वजह यह रही है कि भारत अफगानिस्तान में भारतीय मिशनों पर हुए हमलों में तालिबान को मददगार और जिम्मेदार मानता था। भारत में 1999 में IC-1814 विमान के अपहरण की बात और उसके बदले में जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर को छोड़ने की याद आज भी ताजा है। भारत का तालिबान के साथ बात न करने का एक और बड़ा कारण यह भी रहा है कि ऐसा न करने से अफगान सरकार के साथ उसके रिश्तों में दिक्कत आ सकती है, जो ऐतिहासिक रूप से काफी मधुर रहे हैं, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।